Assalamualaikum मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी भी देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी बहुत सब्र वाली और बहुत अच्छी लड़की है, यानी रूमी ने सबके दिल जीत ली हैं, लेकिन रूमी के सास जो है किसी तरह भी सेटिस्फाई नहीं हो रही उससे। जिसके बाद रूमी के वालिद की डेथ हो जाने के बाद रूमी बहुत दुखी परेशान सी होती है, लेकिन असद उसका बहुत साथ दे रहा है, रूमी का उसका बहुत ख्याल रखता है। रूमी यही कहता है कि रूमी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी इंसान देखे या छुए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ। इन्हें असद की सब कुछ बातें सुन के रूमी का दिल और ज़्यादा खुश हो जाता है और रूमी यही कहती है कि मेरे बाबा भी आप जैसे मेरा ख्याल रखते हैं ऐसे ही ख्याल रखते थे। रूमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन असद बहुत केयरिंग और लविंग है, उसका बहुत ख्याल रखता है और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा रूमी की सास से। जिसके बाद रूमी की सास उसको खरी खरी बातें सुनाएगी, रूमी बड़ी चुपचाप खामोशी से सब कुछ सह लेगी। रूमी की सास यही कहेगी कि तुम खुद तो कोई पोता पाती दे नहीं सकी और मेरी इस बेटी का भी तुमने जान विवले में डाल दिया है, परेशानी में डाल दी है, तुम कम से कम इसका तो ख्याल रखो या फिर हमारी जान छोड़ दो। रूमी ये सब कुछ बर्दाश्त कर करके थक चुकी है, जिसके बाद रूमी यही फैसला करेगी कि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी लेकिन इस घर में सबसे बड़ी बहू बनी हूँ, तो मुझे जो बातें भी खुद तक रखनी है, ज़्यादा बातें मैं नहीं बताऊँगी अपने घर वालों को, इससे मसले मसाइल जो क्रिएट हो जाएंगे। जिसके बाद नाज़रीन आप दूसरी तरफ देखेंगे, जबकि रूमी के वालिद की डेथ हो जाने के बाद रूमी की वालिद बड़ी अकेली और तन्हा सी रह गई हैं, जबकि रूमी की जो भाभी है वो बहुत चालाक है। रूमी की भाभी यही सोचती है बस सब कुछ पैसा दौलत उनके हाथ में उनके कब्जे में आ जाए। इन्हें रूमी की वालदा जो है वो कुछ पैसे उसको रखवाती है कि रख लो संभाल के, लेकिन वो कुछ पैसे कमी आ जाती है। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी की भाभी यही कहेगी कि अपने हस्बैंड से यही कहेगी कि आपने जो पैसे अम्मी को दिए थे उसमें 70,000 कम है। इन्हें कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाना चाह रही है, घर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रही है। ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी की जो वालदा है बड़ी दुखी और परेशान से अपसेट हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे रूमी बहुत अच्छी है, सबका बहुत ख्याल रख रही है। जिसके बाद रूमी का जो देवर है उसके भी यही कहता है अपनी वाइफ से कि रूमी सारा दिन काम करती रहती है, उसके साथ कुछ काम ही करवा लिया करो, यहाँ पर तुम फारिग बैठी रहती हो, बातें करती रहती हो, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा रूमी की जेठानी से। जिसके बाद वो यही कहेगी अपने हस्बैंड से कि आप हर वक्त रूमी रूमी करते रहते हैं, कभी कभी कुछ मुझे तो वो हैरत होती है कि मैं आपकी बीवी हूँ या रूमी। ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा घर में मसले मसाइल हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपको ड्रामा से तकदीर नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी भी देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी बहुत सब्र वाली और बहुत अच्छी लड़की है, यानी रूमी ने सबके दिल जीत ली हैं, लेकिन रूमी के सास जो है किसी तरह भी सेटिस्फाई नहीं हो रही उससे। जिसके बाद रूमी के वालिद की डेथ हो जाने के बाद रूमी बहुत दुखी परेशान सी होती है, लेकिन असद उसका बहुत साथ दे रहा है, रूमी का उसका बहुत ख्याल रखता है। रूमी यही कहता है कि रूमी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी इंसान देखे या छुए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ। इन्हें असद की सब कुछ बातें सुन के रूमी का दिल और ज़्यादा खुश हो जाता है और रूमी यही कहती है कि मेरे बाबा भी आप जैसे मेरा ख्याल रखते हैं ऐसे ही ख्याल रखते थे। रूमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन असद बहुत केयरिंग और लविंग है, उसका बहुत ख्याल रखता है और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा रूमी की सास से। जिसके बाद रूमी की सास उसको खरी खरी बातें सुनाएगी, रूमी बड़ी चुपचाप खामोशी से सब कुछ सह लेगी।
रोमी के साथ यही कहेगी कि तुम खुद तो कोई पोता पाते दे नहीं सकती और मेरी इस बेटी का भी तुमने जान विवले में डाल दिया है, परेशानी में डाल दी है, तुम कम से कम इसका तो ख्याल रखो या फिर हमारी जान छोड़ दो। रूमी ये सब कुछ बर्दाश्त कर करके थक चुकी है, जिसके बाद रूमी यही फैसला करेगी कि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी लेकिन इस घर में सबसे बड़ी बहू बनी हूँ, तो मुझे जो बातें भी खुद तक रखनी है, ज़्यादा बातें मैं नहीं बताऊँगी अपने घर वालों को, इससे मसले मसाइल जो क्रिएट हो जाएंगे। जिसके बाद नाज़रीन आप दूसरी तरफ देखेंगे, जबकि रूमी के वालिद की डेथ हो जाने के बाद रूमी की वालिदा बड़ी अकेले और तन्हा सी रह गई हैं, जबकि रूमी की जो भाभी है वो बहुत चालाक है। रूमी की भाभी यही सोचती है बस सब कुछ पैसा दौलत उनके हाथ में उनके कब्जे में आ जाए। इन्हें रूमी की वालिदा जो है वो कुछ पैसे उसको रखवाती है कि रख लो संभाल के, लेकिन वो कुछ पैसे कमी आ जाती है। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी की भाभी यही कहेगी कि अपने हस्बैंड से यही कहेगी कि आपने जो पैसे अम्मी को दिए थे उसमें 70,000 कम है। इन्हें कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाना चाह रही है, घर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रही है। ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी की जो वालदा है बड़ी दुखी और परेशान से अपसेट हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे, रूमी बहुत अच्छी है, सबका बहुत ख्याल रख रही है। जिसके बाद रूमी का जो देवर है उसके भी यही कहता है अपनी वाइफ से कि रूमी सारा दिन काम करती रहती है, उसके साथ कुछ काम ही करवा लिया करो, यहाँ पर तुम फारिग बैठ रहती हो, बातें करती रहती हो, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा रूमी की जेठानी से। जिसके बाद वो यही कहेगी अपने हस्बैंड से कि आप हर वक्त रूमी रूमी करते रहते हैं, कभी कभी कुछ मुझे तो वो हैरत होती है कि मैं आपकी बीवी हूँ या रूमी। ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा घर में मसले मसाइल हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपको ड्रामा से तकदीर नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी बहुत सब्र वाली और बहुत अच्छी लड़की है, यानी रूमी ने सबके दिल जीत ली है, लेकिन रूमी के साथ जो है किसी तरह भी सेटिस्फाई नहीं हो रही उससे। जिसके बाद रूमी के वालिद की डेथ हो जाने के बाद रूमी बहुत दुखी परेशान सी होती है, लेकिन असद उसका बहुत साथ दे रहा है, रूमी का उसका बहुत ख्याल रखता है। रूमी यही कहता है कि रूमी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी इंसान देखे या छुए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। इन्हें असद की सब कुछ बातें सुन के रूमी का दिल और ज़्यादा खुश हो जाता है और रूमी यही कहती है कि मेरे बाबा भी आप जैसे मेरा ख्याल रखते हैं ऐसे ही ख्याल रखते थे। रूमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन असद बहुत केयरिंग और लविंग है, उसका बहुत ख्याल रखता है और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा रूमी की सास से। जिसके बाद रूमी की सास उसको खरी खरी बातें सुनाएगी, रूमी बड़ी चुपचाप खामोशी से सब कुछ सह लेगी। रूमी के साथ यही कहेगी कि तुम खुद तो कोई पोता पाते दे नहीं सकती और मेरी इस बेटी का भी तुमने जान विवले में डाल दिया है, परेशानी में डाल दी है, तुम कम से कम इसका तो ख्याल रखो या फिर हमारी जान छोड़ दो। रूमी ये सब कुछ बर्दाश्त कर करके थक चुकी है, जिसके बाद रूमी यही फैसला करेगी कि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी लेकिन इस घर में सबसे बड़ी बहू बनी हूँ, तो मुझे जो बातें भी खुद तक रखनी है, ज़्यादा बातें मैं नहीं बताऊँगी अपने घर वालों को, इससे मसले मसाइल जो क्रिएट हो जाएंगे। जिसके बाद नाज़रीन आप दूसरी तरफ देखेंगे, जबकि रूमी के वालिद की डेथ हो जाने के बाद रूमी की वालिदा बड़ी अकेले और तन्हा सी रह गई हैं, जबकि रूमी की जो भाभी है वो बहुत चालाक है। रूमी की भाभी यही सोचती है बस सब कुछ पैसा दौलत उनके हाथ में उनके कब्जे में आ जाए। इन्हें रूमी की वालिदा जो है वो कुछ पैसे उसको रखवाती है कि रख लो संभाल के, लेकिन वो कुछ पैसे कमी आ जाती है। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी की भाभी यही कहेगी कि अपने हस्बैंड से यही कहेगी कि आपने जो पैसे अम्मी को दिए थे उसमें 70,000 कम है। इन्हें कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाना चाह रही है, घर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रही है। ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी की जो वालिदा है बड़ी दुखी और परेशान से अपसेट हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे, रूमी बहुत अच्छी है, सबका बहुत ख्याल रख रही है। जिसके बाद रूमी का जो देवर है उसके भी यही कहता है अपनी वाइफ से कि रूमी सारा दिन काम करती रहती है, उसके साथ कुछ काम ही करवा लिया करो, यहाँ पर तुम फारिग बैठ रहती हो, बातें करती रहती हो, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा रूमी की जेठानी से। जिसके बाद वो यही कहेगी अपने हस्बैंड से कि आप हर वक्त रूमी रूमी करते रहते हैं, कभी कभी कुछ मुझे तो वो हैरत होती है कि मैं आपकी बीवी हूँ या रूमी। ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा घर में मसले मसाइल हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
आपको ड्रामा से तकदीर नाजन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी बहुत सब्र वाली और बहुत अच्छी लड़की है, यानी रूमी ने सबके दिल जीत ली है, लेकिन रूमी की सास जो है किसी तरह भी सेटिस्फाई नहीं हो रही उससे। जिसके बाद रूमी के वालिद की डेथ हो जाने के बाद रूमी बहुत दुखी परेशान सी होती है, लेकिन असद उसका बहुत साथ दे रहा है, रूमी का उसका बहुत ख्याल रखता है। रूमी यही कहता है कि रूमी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी इंसान देखे या छुए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। यानी असद की सब कुछ बातें सुन के रूमी का दिल और ज़्यादा खुश हो जाता है और रूमी यही कहती है कि मेरे बाबा भी आप जैसे मेरा ख्याल रखते हैं ऐसे ही ख्याल रखते थे। रूमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन असद बहुत केयरिंग और लविंग है, उसका बहुत ख्याल रखता है और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा रूमी की सास से। जिसके बाद रूमी की सास उसको खरी खरी बातें सुनाएगी, रूमी बड़ी चुपचाप खामोशी से सब कुछ सह लेगी। रूमी की सास यही कहेगी कि तुम खुद तो कोई पोता पाते दे नहीं सकती और मेरी इस बेटी का भी तुमने जान वेले में डाल दिया है, परेशानी में डाल दी है, तुम कम से कम इसका तो ख्याल रखो या फिर हमारी जान छोड़ दो। रूमी ये सब कुछ बर्दाश्त कर करके थक चुकी है, जिसके बाद रूमी यही फैसला करेगी कि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी लेकिन इस घर में सबसे बड़ी बहू बनी हूँ, तो मुझे जो बातें भी खुद तक रखनी है, ज़्यादा बातें मैं नहीं बताऊँगी अपने घर वालों को, इससे मसले मसाइल जो क्रिएट हो जाएंगे। जिसके बाद नाज़रीन आप दूसरी तरफ देखेंगे, जबकि रूमी के वालिद की डेथ हो जाने के बाद रूमी की वालिदा बड़ी अकेली और तन्हा सी रह गई हैं, जबकि रूमी की जो भाभी है वो बहुत चलाक है। रूमी की भाभी यही सोचती है बस सब कुछ पैसा दौलत उनके हाथ में उनके कब्जे में आ जाए। इन्हें रूमी की वालिदा जो है वो कुछ पैसे उसको रखवाती है कि रख लो संभाल के, लेकिन वो कुछ पैसे कमी आ जाती है। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी की भाभी यही कहेगी कि अपने हस्बैंड से यही कहेगी कि आपने जो पैसे अम्मी को दिए थे उसमें 70,000 कम है, यानी कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाना चाह रही है, घर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रही है। ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी की जो वालिदा है बड़ी दुखी और परेशान से अपसेट हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे रूमी बहुत अच्छी है, सबका बहुत ख्याल रख रही है। जिसके बाद रूमी का जो देवर है उसके यही कहता है अपनी वाइफ से कि रूमी सारा दिन काम करती रहती है, उसके साथ कुछ काम ही करवा लिया करो, यहाँ पर तुम फारिग बैठ रहती हो, बातें करती रहती हो, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा रूमी की जेठानी से। जिसके बाद वो यही कहेगी अपने हस्बैंड से कि आप हर वक्त रूमी रूमी करते रहते हैं, कभी कभी कुछ मुझे तो वो हैरत होती है कि मैं आपकी बीवी हूँ या रूमी। ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा घर में मसले मसाइल हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपको ड्रामा से तकदीर नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।